जातीय जनगणना को लेकर एक ओर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, वहीं झारखंड राजद के नेताओं ने जातीय जनगणना नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजद के प्रधान महासचिव संजय यादव और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश पासवान ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सामाजिक न्याय के साथ चलने वाले हमेशा गरीबों और मजलूमों के लिए अच्छा, मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों से राय मांगी थी कि कैसे दुकान को खोला जाए, आप क्या मानते हैं? थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए। ये निश्चित रूप से जिस तरह से हमारा आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी इस मांगों को आज कई वर्षों से मांग रहा है और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हमारे सम्मानित तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से पुरजोर विधानसभा के अंदर अपनी बातों को रखा और उसके बाद सहमति से दो दो बार पारित किया गया कि भाई जाति जनगणना लागू हो, उससे ये पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार के अंदर कौन रिक्शा वाले हैं, कौन ठेला वाले हैं, कौन भीख मांगने वाले हैं, कौन मजदूर हैं, किस जाति के लोग हैं, ये जनगणना के माध्यम से पता चलेगा और तभी उस तरह से जो है उसको अधिकार मिलेगा। और उसी पे जब सहमति से मामला बना तो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया था मिलने का बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से, और इस बातों को जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास माननीय नेता तेजस्वी जी ने रखा है, निश्चित रूप से आने वाला समय में इसका निष्कर्ष निकलेगा और बहुत जल्द निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके लिए आंदोलन भी हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, और फिर पुनः अगर इस चीज़ को लागू नहीं करता है तो फिर जन आंदोलन होगा, जो हमारा नेता का लड़ाई है वो लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। जनगणना का मतलब है पूरे देश के जितने भी गरीब गुरबा पिछड़ा सारे लोगों को सम्मान और अधिकार मिले। अधिकार के लिए जो है यह जाति जनगणना के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बहुत पहले उठाए थे, इसलिए आज देखिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में भी काफ़ी जो है सिंह गर्जना किए थे और उसी के आधार पर नीतीश कुमार समय लिया गया प्रधानमंत्री महोदय से, और आज जो है 10 पार्टी के लोग सारे लोग मिले प्रधानमंत्री से अपना बात को रखे और प्रधानमंत्री भी बहुत जिम्मेवारी के साथ जो है सारे लोगों का बात सुने। इसलिए जाति जनगणना पूरे देश में बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि जो बड़े लोग हैं वो हवाई जहाज़ पर उड़ रहे हैं, गाड़ी पर उड़ रहे हैं, राजधानी में उड़ रहे हैं, तो वो कौन जो ट्रेन बना है वो उस ट्रेन से चल रहे हैं, लेकिन गरीब जहाँ है वहीं है, कोई दतवन चुन रहा है, कोई जो है गोठा बेच रहा है, कोई गाय भैंस चरा रहा है, तो आज गरीबों को सम्मान नहीं मिल रहा। देश जो है आज़ाद हुए आज इतना दिन हो गया हम लोगों को, लेकिन आज तक जो है अधिकार लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोगों को जातिगत जनगणना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों को अधिकार मिलेगा। और हम लोग चाहेंगे कि यह जाति जनगणना यदि लागू नहीं करते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो हम लोगों को ज़रूरत होगा तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, जहां भी जाना होगा हम लोग जाएंगे, लेकिन यह आंदोलन को तूल पकड़वाने का काम करेंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि यह जाति जनगणना जितना जल्दी हो वह लागू करे, तभी जो है देश का कल्याण हो सकता है, तभी गरीबों का कल्याण हो सकता है, तभी पिछड़े लोगों का कल्याण हो सकता है, तभी अल्पसंख्यक का कल्याण हो सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना माननीय प्रधानमंत्री महोदय शीघ्र लागू करें, नहीं तो लोग तो सुखभुगा रहे हैं,
और पूरे देश में आंदोलन चलेगा और वो ऐसा आंदोलन चलेगा जेल में कहीं जगह नहीं रहेगा। धन्यवाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।